9 फरवरी शुक्रवार के लिए आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौफीक रजा ने बरेली में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। उस शक्ति प्रदर्शन में श्यामगंज बाजार में जमकर पथराव हुआ था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 110 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। उसी को लेकर आज बरेली में मथुरा यानी कि वृंदावन के मां मंडेश्वर आए हैं और उन्होंने आईजी ऑफिस में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, देखिए वह सामने मंडेश्वर खड़े हुए हैं और ये यहां पर अपनी मांगों को लेकर यानी कि तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के लिए वो आज धरने पर बैठ गए थे और उनकी तमाम जो मांगे थी कि तौकीर रजा के लिए गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक उसी को बातचीत करने के लिए मेरे साथ में मंडेश्वर जानना चाहेंगे क्यों आप जहाँ धरने पर बैठ गए थे, क्या वजह थी? देखिए आज हम मजबूरी बस यहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि 9 फरवरी से अभी तक तौकीर रजा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तौकीर रजा का पूरा इतिहास सभी अधिकारी भी जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है, उसके बाद भी कि वो ऐसा अपराधी है जो पैसे लेकर कभी भी यहाँ पर दंगे करवा सकता है। उसने भड़काऊ भाषण देकर दोबारा बरेली की फिजा को खराब करने का प्रयास किया, परंतु उसको 9 फरवरी से अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग आए कि आखिर उसको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाए, उसी कार्य के लिए हम लोग उपस्थित हुए थे। पुलिस प्रशासन तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपके लिए? पुलिस प्रशासन को हमने 1 सप्ताह का समय दिया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर तौकीर रजा गिरफ्तार नहीं होता है तो हम यहाँ पर बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे देश के पूरे राष्ट्र के संत यहाँ उपस्थित होंगे। क्या माना जाए, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तक पुलिस प्रशासन ना किसी को गिरफ्तार कर पाई है। श्यामगंज में बवाल देखा हुई, तमाम वीडियो सामने आई हैं। तौकीर रजाना भी बीच में भी कहा था TV9 के उस पर इंटरव्यू में, किसे जो हिंसा हुई है यहाँ पे क्या बोलते हैं उत्तराखंड में, उसमें धामी मुख्य आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए उस पूरे जो हल्द्वानी की साजिश थी उसमें निश्चित तौर पर मैं 100% कहना चाहता हूँ कि तौकीर रजा का हाथ है, ये जिम्मेदार है। बरेली बिल्कुल हल्द्वानी से लगा हुआ है, यही इस प्रकार की घटना करवा सकता है। ये आतंकी विचार आतंकी सोच जो है वो तौकीर रजा की है, ना कि धामी की है। धामी जी पे इसने इस प्रकार का अलगन जो दोषारोपण करने का कार्य किया है ये बिल्कुल वो है, खुद ये जिम्मेदार है। इसको गिरफ्तार किया जाए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा है? देखिए ये जानने का प्रयास करने के लिए हम आए थे आईजी साहब से मिलने, लेकिन आईजी साहब हमसे मिले ही नहीं। आईजी साहब जब मिलते बात होती तब पता चलता कि आखिरकार दबाव किस बात का है। अगला कदम क्या होगा अगर गिरफ्तार नहीं होता? 1 सप्ताह में गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहाँ बड़ा आंदोलन होगा बरेली के अंदर, पूरे देश के संत आएंगे, पूरे राष्ट्र के संत आएंगे। हम संतों से आह्वान कर देंगे अगर 1 सप्ताह के अंदर तौकीर रजा, आज आप सबके मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, सभी मीडिया भाइयों का अपना, सब पत्रकार बंधुओं का, आप सब लोग इस बात को मैं आपके सबके चैनल से कहना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से 1 सप्ताह का समय है, अगर तौकीर रजा गिरफ्तार 1 सप्ताह में नहीं होता है तो भारत बरेली की धरती पर संतों का आगमन होगा, पूरे राष्ट्र के संत आएंगे, यहाँ बड़ा आंदोलन होगा, उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। तो देख सकते हैं मंडेश्वर का साफ तौर पर कहना है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार नहीं है तौकीर रजा के लिए तो विश्व के महामंडेश्वर आकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनका जो जिस तरह से धरना प्रदर्शन है उसके बाद कब तौकीर रजा पर कार्रवाई की जाती है। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारत वर्ष बरेली।